हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। इस वीडियो में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ये इस वीडियो का पार्ट 10 है, और अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, इस तरह से इस साइड शो हो रहा होगा आई बटन। सो उस आई बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमारी सारी वीडियोज़ के प्ले लिस्ट मिल जाएगी, एरर डिटेक्शन की, वो कैप की, द हिंदू एडिटोरियल की, और जो कुछ कन्फ्यूजन वाले रूल्स होते हैं जैसे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उसकी भी मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जो प्रपोजिशन मिस्टेक हम करते हैं किसी वर्ड्स के साथ, जैसे कि अबाइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होना है, अकस्टम के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होना है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर जब आप आई बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेंस इन टेम्पर दीज डेज। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेंस इन टेम्पर दीज डेज। यहाँ पर जो हमारा एरर है वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में क्या एरर है? इन टेम्पर की जगह हमें इन अ टेम्पर का यूज़ करना है। इन अ टेम्पर, ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, जो इन अ टेम्पर होता है, इन अ टेम्पर, वो इडियोमेटिक फ्रेज होता है। तो जो इडियोमेटिक फ्रेज होते हैं उनका यूज़ हम एज इट इज़ करते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारे यहाँ पे इन टेम्पर गलत है, इन अ टेम्पर का यूज़ हमें करना है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा? डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेंस इन अ टेम्पर दीज डेज। तो एरर किस में था? सी पार्ट में था। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया था वो अंकित अग्रवाल ने दिया था। किसने दिया था? अंकित अग्रवाल ने। सो कंग्रेचुलेशन टू हिम। एंड इसी तरह से मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ए बी सी डी करके भी बता सकते हैं कि किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, या सी में, या डी में। और अगर आपको एरर पता है वो भी बताना है, और करेक्शन किस पार्ट में होगा, मतलब कि उस एरर की जगह पर क्या करेक्शन होगा, वो भी अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर देगा, यानी कि इस वीडियो के एंड में जो मैं क्वेश्चन दूंगी उसका जो भी सही आंसर देगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में नेम अनाउंस किया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द होल प्राइस एट वंस। सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द होल प्राइस एट वंस। नाउ किस पार्ट में एरर है? देखिए इसमें जो हमारा एरर है वो फोर्थ पार्ट में है। फोर्थ पार्ट में क्या एरर है? यहाँ पे हमने एट वंस का यूज़ किया है जो गलत है। एट वंस की जगह पे हमें किसका यूज़ करना है? एट द बिगनिंग। किसका यूज़ करना है? एट द बिगनिंग। नाउ एट द बिगनिंग का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पे करने की बात हो रही है। अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कैसे पे किया जाता है? शुरुआत में है पे करने की, मतलब कि किस्तों में पे किया जाता है, राइट? तो इसमें ये बोल रहा है कि जब आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम से कुछ भी परचेस करते हो तो आपको सारा प्राइस जो है वो शुरुआत में ही पे नहीं करना पड़ता। अब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे जो एडवांस यूज़ कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि एडवांस का मीनिंग क्या होता है? तुरंत, इमीडिएट। यहाँ पे इमीडिएट वाला सेंस नहीं आ रहा है, इमीडिएट वाला सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे बिगनिंग का सेंस आ रहा है। बिगनिंग यानी शुरुआत में ही पे नहीं करना होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एडवांस की जगह पे किसका यूज़ करना है? एट द बिगनिंग का यूज़ करना है। ठीक है, सो करेक्शन क्या हो जाएगा? व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द होल प्राइस एट द बिगनिंग। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा भी है एडवांस की जगह पे हमें एट द बिगनिंग का यूज़ करना है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट टू आवर्स बट यू डिड नॉट बदर टू टर्न अप इन टाइम। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट टू आवर्स बट यू डिड नॉट बदर टू टर्न अप इन टाइम। सो यहाँ पे क्या पर एरर है? देखिए यहाँ पर जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है? हमें यहाँ पे आई एम, यहाँ पे जो एम लिखा है ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं, फॉर के साथ में टाइम का भी यूज़ कर रहे हैं, और फॉर के साथ में टाइम का यूज़ किस में होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है और एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। तो यहाँ पे किसका यूज़ करें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं तो हैव बीन आना चाहिए, राइट? और अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं तो हैड बीन आना चाहिए। अब किसका यूज़ करें? तो देखिए ये किसका यूज़ करना है वो हमारा आगे वाला सेंटेंस डिसाइड करेगा। आगे वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? बट यू डिड नॉट बॉदर टू टर्न अप इन टाइम। डिड नॉट, डिड नॉट क्या है हमारा? डिड किस में आता है? पास्ट में आता है। सो इसलिए हमारा सेंटेंस किस में है? पूरा सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? हैड बीन। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन का यूज़ हम करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो करेक्शन क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट टू आवर्स बट यू डिड नॉट बदर टू टर्न अप इन टाइम। ओके, सो यहाँ पे लिखा भी है कि हम आई हैड बीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद हिज कलीग्स आर कमिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड दिस आफ्टरनून। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज द एरर हियर? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फ्रेंड्स हम यहाँ पे अलॉन्ग विद का यूज़ कर रहे हैं, और अलॉन्ग विद से पहले एक सब्जेक्ट दिया हुआ है
और उसके बाद में भी एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्क दिया हुआ है आगे आर, वो किसके लिए यूज़ हुआ है, हेड के लिए या कलीग्स के लिए? हेड के लिए यूज़ हुआ है। क्यों? देखिए जब भी हम अलॉन्ग विद, टुगेदर विद इनका यूज़ करते हैं तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब पहला वाला सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, हेड मतलब सिंगुलर, राइट? नाउ इफ दिस इज सिंगुलर देन वी शुड राइट हियर इज नॉट आर, राइट? इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद हिज कलीग्स इज कमिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड दिस आफ्टरनून। सो इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा कि अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का जब भी मतलब फ्रेजेस का जब भी यूज होता है तो उसके साथ में हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेकेंड वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है करते हैं। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है? चलिए, सो यहाँ पे लिखा भी है कि आर की जगह पे हम इज का यूज़ वहाँ पे करेंगे, ठीक है? चलिए, सो आगे क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस इज दैट शी शुड वर्क ऑन संडे एंड कंप्लीट द असाइनमेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस इज दैट शी शुड वर्क ऑन संडे एंड कंप्लीट द असाइनमेंट। नाउ इसमें क्या एरर है? देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये हमारा नो एरर है, एंड नो एरर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमें एरर फाइंड आउट करने की आदत हो जाती है, इसलिए हम नो एरर में भी एरर फाइंड आउट कर देते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाओ कि वो नो एरर भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट एवर ही वॉज टूडे इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर हु वॉज अ रिनोड साइंटिस्ट। नाउ यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? इसमें जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है? वॉज की जगह हमें इसका यूज़ करना है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे टुडे का यूज़ हो रहा है, टुडे का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि अब प्रेजेंट में हम किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ तो करेंगे नहीं, वॉज किसके लिए होता है? वॉज तो पास्ट के लिए होता है, राइट? तो इसलिए हमें यहाँ पे इज का यूज़ करना है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा? वॉट एवर ही इज टुडे, वॉट एवर ही इज टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर बिकॉज ही वॉज अ रिनोड साइंटिस्ट, ठीक है? चलिए, यहाँ पे लिखा भी है वॉच की जगह पे हम इज का यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। नाउ आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोस ऑल द विंडोज रैटल। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ इसमें जो हमारा एरर है वो इसमें है, और टॉप फ्लोर की जगह हमें द टॉप फ्लोर का यूज़ करना है, ओके? अब ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे लिखा है कि द आर्टिकल द इज यूज्ड विद फिजिकल प्लेस। जो फिजिकल प्लेस आता है ना, टॉप बॉटम, उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द टॉप, द बॉटम, इस तरह से, ठीक है? तो इसलिए हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना है? द टॉप फ्लोर का यूज़ करना है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहे हैं, फिजिकल प्लेस बता रहे हैं, ठीक है? सो इसलिए करेक्शन क्या हो जाएगा? आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, आर्टिकल ए को हटा के आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोस ऑल द विंडोज रैटल, ओके? चलिए, इस रूल को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ व्हाइल। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द एरर हियर? देखिए ये हमारा नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? और इसमें जो रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम हैड का भी यूज़ कर रहे हैं। अब आपने एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, इफ़ के साथ में हम हैड का यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज होता है, नेक्स्ट क्लॉज आता है उसमें हम वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट? ये आपने पढ़ा होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, हम इफ़ के साथ में हेड का यूज़ करते हैं तो हम सेकंड क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे? कि इफ़ को हटा के हैड लगा के सब्जेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि इसमें क्या है, इसमें यही तो है, इसमें क्या किया है हमने कि हमने हैड लगाया है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, इफ़ का यूज़ नहीं किया। सो अगर हम इफ़ सब्जेक्ट और फिर हैड ये लिखें, या फिर हैड लिखें और फिर सब्जेक्ट लिखें, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी सही है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। इसलिए यहाँ पे इफ़ नहीं दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे जो हमने दिया है इफ़ नहीं दिया हुआ है, इसमें हैड लगा के सब्जेक्ट लिखा है, तो बिल्कुल सही है, ऐसे भी लिख लो, या फिर इसी को चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ ही हैड, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या है, नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, रूल को ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विद ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून 30। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द एरर हियर? देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन के साथ हम अबाउट का यूज़ करते हैं, अबाउट, ठीक है? इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में ली जाती है, ठीक है?
तो इसलिए हमें यहाँ पे किसी के बारे में ली जाती है, इसलिए हमें अबाउट का यूज़ करना है, विद का यूज़ नहीं करना है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, विद की जगह पे अबाउट ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून 30। इन्फॉर्मेशन के साथ ध्यान में रखना हमेशा अबाउट आता है, सो इस रूल को ध्यान में रखिएगा। चलिए विद की जगह पे अबाउट आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो दिस इज द क्वेश्चन, स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो दिस इज नो एरर, इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है, ओके यहाँ पे हमारा कोई भी एरर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टोरीज लिखा हुआ है, स्टोरी सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमने हैव का यूज़ किया है, बिल्कुल सही है, उसके साथ ऑलवेज बीन यूज्ड, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, अब हैव के साथ बीन आ गया, क्योंकि पैसिव में है हमारा सेंटेंस, किस में है, पैसिव में है, पैसिव में जब भी होता है ना तो उसके साथ हम बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैसिव में होता है, एक तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें हम बीन का यूज़ करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, राइट, और एक हमारा पैसिव में भी हम बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन अब पहचाने कैसे कि पैसे में है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये देखा करो कि स्टोरीज जो मतलब सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो वर्क कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर वर्क किया जा रहा है। अब आप देखोगे स्टोरीज तो वर्क करेंगी नहीं, ठीक है, स्टोरीज तो अपने आप यूज़ होंगी नहीं, स्टोरीज को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, एज अ पावरफुल टूल, राइट, तो इसलिए स्टोरीज खुद वर्क नहीं कर रही हैं, स्टोरीज पर वर्क किया जा रहा है, तो जब सब्जेक्ट पर ही वर्क किया जाता है तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होता है, पैसे में होता है। सो इस रूल को ध्यान में रखिएगा, और इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हुई हैं, ठीक है। सो स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर होल्डिंग नॉट ओनली हाई मोरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज द एरर हियर, वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर होल्डिंग नॉट ओनली हाई मोरल वैल्यूज। देखिए यहाँ पर जो हमारा एरर है ना, वो नॉट ओनली हमें पहले लिखना है और होल्डिंग हमें बाद में लिखना है, यानी कि नॉट ओनली होल्डिंग आना चाहिए, नॉट ओनली और देन होल्डिंग, ठीक है। सो ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज़ हो रहा है, राइट, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज़ होता है, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे, इसके अलावा नॉट ओनली के बाद जो यूज़ हो रहा है वही बट ऑल्सो के बाद भी यूज़ होगा, ठीक है। तो बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, रेंडरिंग यूज़ हो रहा है, जो कि आईएनजी में है, तो यहाँ पे हमें बट ऑल्सो के साथ हम रेंडरिंग का यूज़ कर रहे हैं, पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं, रेंडरिंग क्या है, पार्टिसिपल है, किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है, तो पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारा पार्टिसिपल दिया हुआ है होल्डिंग, लेकिन वो नॉट ओनली से पहले दिया हुआ है, और यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद में दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद है ना, तो हमें यहाँ पर भी बाद में ही लिखना है, नॉट ओनली के बाद में लिखना है होल्डिंग को, ठीक है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा, वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर नॉट ओनली होल्डिंग, ठीक है, नॉट ओनली को पहले, होल्डिंग को बाद में, नॉट ओनली होल्डिंग हाई मोरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ओके। चलिए यहाँ पे लिखा भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्ट्स टू वर्ड्स इन द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में जो वर्ड्स आते हैं वो कनेक्ट होते हैं और वो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होने चाहिए, राइट। सो देयरफॉर इफ नॉट ओनली इज फॉलोड बाय अ नाउन, यानी कि अगर नॉट ओनली के बाद में नाउन आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद भी हमें नाउन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से दे कैन बी फॉलोड बाय टू पार्टिसिपल, इसी तरह से वो टू पार्टिसिपल के साथ भी फॉलो हो सकते हैं। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सो सेंटेंस में हमने क्या दिया था, होल्डिंग दिया था जो कि एक पार्टिसिपल है, ठीक है, एंड रेंडरिंग क्या दिया था जो जो एक पार्टिसिपल है, सो दो पार्टिसिपल दिए हुए थे। अब क्योंकि हम बट ऑल्सो के साथ में किसका यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे थे, बट ऑल्सो के साथ में हम किसका यूज़ कर रहे थे, पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमने नॉट ओनली के साथ में होल्डिंग को बाद में लिखना था, जिससे कि दोनों को बराबर हो जाए, यानी कि नॉट ओनली के साथ में अगर पार्टिसिपल आ रहा है तो नॉट ओनली सॉरी बट ऑल्सो के साथ में अगर पार्टिसिपल आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद में भी पार्टिसिपल आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए सो यहाँ पे हमारा नॉट ओनली पहले आएगा, होल्डिंग बाद में आएगा, इस रूल को ध्यान में रखिएगा। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, एंड इन 10 क्वेश्चन के साथ में हमने 10 रूल्स को सीखा, और जो मैंने रूल्स बताए हैं हर क्वेश्चन के साथ में उनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब आते हैं आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, वी फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। वी फाउंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ
नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. इसमें पार्ट दिया हुआ है ए बी सी डी, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. सो आप बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में, ये सी में या डी में. और आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है. और जो भी इसका सही आंसर देगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी, ठीक है. सो जिस तरह से मैंने इस वीडियो में किया था, ओके. सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से जुड़ सकते हैं. ग्रुप में आपको क्विजेस होती हैं तो आप क्विजेस अटेंड कर सकते हो. और चैनल में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है. और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. और आंसर ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है. आंसर ज़रूर कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है, ठीक है. जो भी आंसर सही देगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी. एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आप जितना शेयर करोगे मैं उतनी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी. एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद में. और अब YouTube का एक नया फीचर आया है कि जब भी हम सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं तो तीन ऑप्शन आते हैं. सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन होता है, तो आपको बेल बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है. ऑल पर आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो जिन लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि मैम वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप चेक कर लीजिए अपने बेल बटन पर क्लिक करके वहाँ पर ऑल पर क्लिक किया है या नहीं. अगर ऑल पर क्लिक्ड है तो समझ जाओ कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.